जी दोस्तों नमस्कार। आज की कॉमिक्स का नाम है भोपाल जन। भोपाल जन राज कॉमिक्स विशेषण। भोपाल प्रथम भोपाल संजय गुप्ता पेश करते हैं। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पिछले अंक में प्रथम भोपाल परिजन और देवयुद्ध में देवत अपनी वंश वृद्धि हेतु स्वर्ग से देव कन्याओं का अपहरण करना चाहते थे। देवता भी उसकी काली राक्षसी शक्तियों से भयभीत थे। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी 7 रश्मियों से 7 परियों को उत्पन्न किया जो केवल कन्याओं को जन्म देने में सक्षम थी। देव कन्याओं की जगह अब इन परियों को देवत्वों को सौंप दिया जाना था, परंतु इसे परियों के प्रति अन्याय मानकर देवपुत्र परियों को अपने साथ ले गए और परिलोक का सृजन कर उन्हें परिलोक में रख छोड़ा। देवत देव कन्याओं का हरण कर उन्हें ले जाने में सफल हो गए। देवताओं की योजना पर पानी फिर गया। क्रोधित होकर उन्होंने देवपुत्रों की अमरता छीन ली। देवत देव कन्याओं से विवाह करके उनकी प्राण शक्ति छीन लेने वाले थे जो उन्हें अमर कर देती। सृष्टि एवं ब्रह्मांड पर मंडराते संकट को देखकर देव पुत्रों ने अपना कर्तव्य मानकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया, किंतु मुंह दिखाकर लौट आए। तब ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया। अब आगे पढ़ें। भोपाल जन। तंत्र और तलवार का धनी महाबली भोपाल भाग 4। ब्रह्मास्त्र से गौ प्राणी बाहर आ रहे हैं। हम हैं गोभूति, द्वेषणा, गवाक्ष, गोस्तनी, गोरस, गोष्ठी, गोपुच्छा। हमने ब्रह्मास्त्र से अपनी सहायता हेतु आपकी सहायता हेतु भेजा है। केवल 7 गौ प्राणी किस प्रकार से करेंगे महादुष्ट देवताओं का मुकाबला? उस घड़ी देवत्व अपनी सारी पीड़ा भूल गए थे। अंततः देव कन्याओं से हमारा विवाह होने को है। मादक झरने के प्रभाव से ही वे स्वयं अपनी इच्छा से हमारे गले में वरमाला डालने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ओह, ये क्या, ये तो गोप्राणी है, समाप्त कर दो इनको। तनन तन धड़ाम, कड़क तन धड़ाम। ये बिछड़ गया। काफी जोरों से मार जा शुरू हो गई। रुक जाओ, ये युद्ध मत करो, इसमें देवताओं की चाल है। शायद देवताओं से मुकाबला सीधे मृत्यु से मुकाबला है। धाय धाय, अपने साथियों की मृत्यु तो देख चुका, अब अपनी देख। कचाक, नहीं, ये क्या किया तुम लोगों ने? ओ, ये क्या किया, शत्रुओं का अंत किया और क्या किया? शत्रुओं का नहीं, स्वयं अपना अंत का डाला। भला गौ प्राणियों के अंत से हमें क्या होना है भ्राता? शिष्ट स्मरण करो, जब हमारे पिता ऋषियों के पास हमारी शिक्षाएं समाप्त होने को थी, मुझे स्वप्न में नाना श्री ने दर्शन देकर कहा, यदि कल तुम 7 देवत गौ दुग्ध से स्नान करके रश्मि ग्रहण यज्ञ करो एवं इन रश्मियों को ग्रहण कर लो तो तुम और हो सकते हो। जो आज्ञा नाना श्री, मैंने तुम्हें गौ दुग्ध लेने भेजा। जाओ, गो दुग्ध लेकर आओ, मैं यज्ञ की तैयारी करता हूँ। गो दुग्ध प्राप्त करने के लिए तुमने उसके बछड़े की हत्या कर ली। दुष्ट, सारा दुग्ध तो ये ही पिए जा रहा था। तुम्हें गो श्राप झेलना पड़ा। तुम देवताओं को मेरा श्राप है। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वो
उस क्षण समाप्त हो जाएगी जिस क्षण हमारे जिस क्षण तुम्हारे हाथों पर अब किसी गो प्राणी का वध हो। पुत्र से कल सूर्य ग्रहण है, ग्रहण के पश्चात सूर्य अपनी जो रश्मियां बरसाता है उनमें अमृत का सा समूचा रस प्रतिष्ठित होता है। उस वक्त के कारण हम दसवीं अमृत भी प्राप्त नहीं कर पाए। फिर तुम्ही ने तो मुझे गोश्राप के विषय में बताया था और तुम स्वयं ही भूल गए, अर्थात गोश्राप प्रभाव में आ गया, हम व्रत होते जा रहे हैं। ये प्राणी भी गो प्राणी है, देखो उनके सिर, कुछ और भी देखो, हमारी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई हैं, हम शक्तिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में कोई साधारण प्राणी भी हम पर आक्रमण कर दे तो भी हमें परास्त कर देगा, ये शक्ति हमें पुनः प्राप्त करनी होगी। क्या हम विजय के इतने निकट पहुंच कर भी पराजित हो गए? अब एक ही मार्ग शेष है, बिना एक भी क्षण गवाए तुरंत दो कन्याओं से विवाह, और हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। भगवान विष्णु तो हमारा ध्यान बंद ही नहीं कर रहे, भगवान विष्णु तो अपना ध्यान बंद ही नहीं कर रहे, अब क्या करें? विलंब पर विलंब होता जा रहा है, देवत किसी भी क्षण देव कन्या से विवाह कर सकते हैं। देव पुत्र भी विवर हो चुके थे, हमें तत्काल ही देवत्वों पर आक्रमण कर देव कन्याओं को उनके चंगुल से निकालना ही होगा। इतना समय प्रतीक्षा करने के पश्चात भी ब्रह्मश किसी अन्य तिलिष्मी शक्ति को अब उत्पन्न नहीं कर रहा, कहीं इसका अर्थ देवत शक्ति विहीन हो चुके हैं? आप देव पुत्रों को तुरंत उन पर आक्रमण करना चाहिए। आप परियों की क्या राय है, जैसा आप उसे समझें। जिन देवत्वों को शक्तिविहीन समझने की भूल कर रहे थे देवपुत्र, उन देवत्वों के पास शक्ति के आचार संग्रह के रूप में देव कन्या थी। देव कन्याओं से विवाह की बधाई हो भ्राता, शेख तुम सभी को भी बधाई हो। अंगर अतर पुले दस्या कृत और भगुन, हमें हमारी शक्तियां वापस मिल गई, ये देव कन्याओं की प्राण शक्ति का चमत्कार है। इस शक्ति का प्रयोग से ही हम संतानें उत्पन्न कर पाएंगे। देवपुत्र देवत्यों के निवास के निकट ही थे। तुम अपनी शक्तियों का एक एक अंश दो जिससे मैं एक निश्चित शक्ति का निर्माण करूंगा। इस शक्ति को मैं नाम दूंगा परम विनाशक। भ्राता युद्ध का इसको तुम शत्रुओं पर प्रक्षेपित करोगे, मेरा आओ भाग। ये देवपुत्र की ललकार है, दुष्ट देवत्व तुम्हारा अंत निकट है, उन्होंने पुनः आक्रमण किया है। हाँ, ये दिव्यास्त्र उन्हीं का लगता है। हा हा हा, उनकी ये शक्तियां हम पर व्यक्त चली गई, धड़ाम दम, किंतु अब देव पुत्र यहां से बच कर नहीं जा पाएंगे। उफ, देवत्व शक्ति विहीन नहीं हुए, थोड़ा धड़ धड़ाम दम, ब्रह्मास्त्र द्वारा भेजी शक्तियां क्या व्यर्थ ही चली गई? हमें तो ब्रह्मास्त्र ने देवत्व पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। ब्रह्मास्त्र के अनुसार देवत्वों पर हमारी विजय निश्चित थी, ब्रह्मास्त्र का पूर्वानुमान मिथ्या सिद्ध होगा। इनके शरीर अद्भुत ऊर्जा से चमक रहे हैं,
धड़ धड़ाम। हमसे विवाह के पश्चात उन्हें हमारा अमरत्व प्राप्त हो चुका है, तुम सब लौट जाओ। आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे, या तो आपको लेकर जाएंगे। तुम्हारी कोई भी शक्ति व्यर्थ है, तुम्हारी कोई भी शक्ति व्यर्थ है देव पुत्रों, लौट जाओ, लौट जाओ। जन या हमारे प्राण देकर पाएंगे जन। ओ देव कन्या माधव झरने के प्रभाव से मुक्त हो गई। शिव ने तुरंत स्वर्ण पिंजरे का निर्माण किया। ब्रह्मास्त्र बाण शक्ति नहीं चूकेगा। साय साय झन झन, हा हा हा, बाण जलकर भस्म हो गए। हम अगर हो गए भ्राता से, हमारी अमरता का परीक्षण भी हो गया। सन अज हम अजय हैं। घेर लो देव पुत्रों को। घेरा उसे जाता है जो पेट दिखाकर भागने की चेष्टा कर रहा हो। आज या तो तुम्हारा अंत होगा या हमारा ये प्रण है देव पुत्रों का। आज प्रश्न केवल जीवन का नहीं, विजय या मरण का है। कड़ा चढ़ा दुरम ठाए ठाए, विश्व विजय का भी नहीं, केवल मरण का ही है। तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है देव पुत्रों, हा हा हा। कहीं कोई चूक हुई है, स्थिति क्षण भर में हमारे विपरीत हो गई। यह आत्मघात की स्थिति है, नहीं छोड़ दो उन्हें, उन्हें जाने दो। ये क्या, कहां गए? पुनः पेट दिखाकर भाग गए, हा हा हा। कहां गया प्राण कायर? चलो अच्छा हुआ, दोबारा अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे। इस तब तो खड़े थे देव पुत्र, ये सब आपने किया? आप सब हमें युद्ध भूमि से रोक करके यहां ले आए, ये आपने क्यों किया? आपने हमें ब्रह्मांड में मुंह दिखाने के योग नहीं रखा, अपने पुत्रों को कलंकित कर दिया आप सभी देवताओं ने। हमें जाना होगा, हमें तुरंत वहां जाना होगा। इंद्र आक्रोश से भरे थे। शांत हो जाओ सभी, वो युद्ध भूमि नहीं तुम्हारी कार्य भूमि थी, क्योंकि देवता अमर है, तुम अमर नहीं हो। वो युद्ध नहीं तुम्हारी मूर्ता थी, हट था। और अब देव कन्याओं से विवाह के पश्चात देवतों को मिले अमरत्व के कारण जो संकट ब्रह्मांड एवं शक्ति के लिए उत्पन्न होगा, उसके कारण भी तुम हो, केवल तुम। युद्ध भूमि को अपनी काल भूमि बनाते समय क्या तुमने एक क्षण भी उन परियों के विषय में सोचा जिन्हें तुम स्वर्ग से हर ले गए थे? क्या तुमने क्षण भर भी विचार किया कि तुम्हारे पश्चात परियां परिलोक में किसकी सुरक्षा में रहेंगी? ब्रह्मांड में मुंह दिखाने के योग तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुम्हारी एक हरकत के कारण हम सभी देवता अपमानित हुए हैं, क्योंकि हम केवल देवता की, हम केवल कन्याओं की रक्षा नहीं कर सके। देव कन्याओं पर आए संकट का कारण भी तुम हो, क्योंकि इन केवल इसी एक प्रश्न ने हमें तुम्हें उस काल भूमि से हरण कर लाने पर विवश कर दिया। क्योंकि इन परियों की रक्षा के लिए तुम्हारा जीवन जीवित रहना आवश्यक था। अब इन परियों के लिए तुम्हारा जीवित रहना ही तुम्हारा दंड है। मैं इस दंड के लिए तैयार नहीं। क्या आवश्यक है कि परियों की सुरक्षा के लिए हम सातों को यहाँ तैनात रहें? यदि एक कम भी होगा तो परियों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। यदि तुम स्वयं देवत से युद्ध करने की सोच रहे हो, वो भ्राता अग्नि, तो फिर मैं भी इस दंड के लिए तैयार नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देवतों के हाथों लगी अपमान की अग्नि में हम
सभी चल रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देवताओं के सम्मुख जो प्रण किया था उस पर अंतिम सांस तक कायम रहेंगे। हम में से एक परियों की रक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे, मगर हम में से वो कौन होगा? बस करो, तुम सब बस करो। महासागर से गुजरती नौका में यदि छिद्र हो जाए तो उस पर सवार नाविकों द्वारा स्वयं को गरजते समुद्री की लहरों के सुपुत्र कर देना मूर्खता होगी। लहरें नौका को निश्चित ही डुबो देंगी, नौका को छोड़कर तैर निकलने से भी संकट का समाधान नहीं होगा। तब समुद्र के खूंखार जीव जंतु तुम्हें अपना आहार बना डालेंगे। ऐसी स्थिति में एकमात्र हल होगा प्रयास। केवल प्रयास की किस प्रकार नौका में बने उस स्थिति को ठीक करके नौका को किनारे तक ले जाया जाए। हे देवपुत्रों, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हारी तूफानी लहरें देवत्व के रूप में तुम्हें अपना ग्रास बनाने के इच्छुक हैं, किंतु नौका को बचाते हुए तुम्हें पुरानी लहरों का मुकाबला करना है। तुम्हारी नौका तुम्हारा प्राण शक्ति ही है, उसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो, तभी मृत्यु लहरों का सामना कर पाओगे। देखो ब्रह्मास्त्र इस बार क्या योजना बना रहा है। ब्रह्मास्त्र में कई शिशु भ्रूण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र में इन शिशुओं को क्यों उत्पन्न किया? इन शिशुओं की उत्पत्ति देवत्वों के अंत के उद्देश्य से की गई है। देवपुत्रों, देखो इन शिशुओं का आकार बढ़ रहा है, ये शक्तिशाली योद्धाओं में परिवर्तित हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र देवत्वों के अंत के लिए हमें और अवसर देना चाहता है। ये स्पर्श लोक सेना है, परंतु इसके नेतृत्व के लिए एक महामारी के जन्म की आवश्यकता है। ये शांत क्यों हो गए? अवश्य उसे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा है। मेरे विचार में उसे उत्तर की नहीं अपितु प्रश्न की अपेक्षा है। हे ब्रह्मास, महाबली का जन्म किस प्रकार से होगा? आप सभी देव पुत्रों एवं परियों के सहयोग से। इस सहयोग के लिए आप सभी को मुझ में प्रवेश करना होगा। मेरी सृजन शक्ति द्वारा इस सहयोग से उस महाबली का जन्म होगा, तो फिर विलंब कैसे? हम सभी इस सहयोग के लिए तैयार हैं। इसमें आप सबकी अत्यधिक शक्ति खर्च होगी, क्योंकि आप सभी देव अब अमृत खो चुके हैं। अच्छा, इस संयोग में आपकी अन्य देवी शक्तियां भी छीन होगी, जिसके प्रभाव से आप देव पुत्र साधारण मानव के समान जीवन यापन करते हुए बहुत सीधे वृद्ध हो जाएंगे। मेरे द्वारा उत्पन्न किए प्राणी 9 क्षणों में पैदा होते हैं, इस कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। ये जिस प्रयोजन से पैदा किए जाते हैं उसमें असफल भी हो सकते हैं, जबकि महावली निश्चित बुद्धि का स्वामी होगा। वो मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी व शक्तियों का सही उपयोग कर पाएगा। मुझे आपके निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, हम सभी तैयार हैं। दुष्ट के अंत के लिए हम भी संयोग के लिए तैयार हैं, तो मुझ में प्रवेश करो। देवताओं के अंत के लिए हम अपने प्राणों की आहुति तो लगभग दे ही चुके हैं, अब किस बात का भय? अब जब तक ब्रह्मास्त्र का घूर्णन रुक न जाए, एक दूसरे का हाथ थामे रहना। अब विलंब न होगा उस महाशक्ति महापराक्रमी महाबली के जन्म में, जिसका नाम है भोकाल। स्पर्श लोक सेना आपके नेतृत्व के लिए उत्पन्न किया गया है। मुझे हमारा एक ही उद्देश्य है, देवताओं का
एवं देव कन्याओं की मुक्ति, क्या सभी तैयार हैं? तैयार हैं। देवत्व के सिर गर्व से ऊंचे थे। हा हा हा, देव कन्याओं से हमारा स्वयं सुर रहा, किंतु देव कन्याओं से विवाह के पश्चात उनसे हमें प्राप्त हुई प्राण शक्ति हमने खो दी है। व्यतीत ना हो, कृत्य ऐसा ही होना ही था। वो शक्ति हमारी संतानों से स्थानांतरित हो गई, अब वे अमर उत्पन्न होंगे। अर्थात अब हम अपने एवं देव कन्याओं की रक्षा हेतु केवल अपनी चार शक्तियों पर आश्रित रह गए। हाँ, और हम यथासंभवित शक्ति को बचाए रखना होगा। भयाम, अरे दुर्भाग्य, पर्वतों को किसने छिन्न भिन्न कर दिया? दुर्भाग्य, पर्वतों को किसने छिन्न भिन्न कर दिया? अब शीघ्र ही देव कन्याएं हमारे पुत्रों को जन्म देंगी, जो न केवल हमारी वंश वृद्धि ही करेंगी बल्कि हमारे उस उद्देश्य को भी पूर्ण करेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। इस पर्वत के ही समान तुम देवताओं की कुत्सित मंशाओं सहित तुम सभी के शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। दोस्तों, देव कन्याओं को मुक्त कर दो, अन्यथा अपने कृत्यों के भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे कृतकृत्यों का दंड तुम्हें देने आया हूं मैं, स्वयं देव पुत्र धारक भोकाल। अपनी पराजय से व्यथित होकर देव पुत्र ने इस योद्धा को भेजा है, परंतु देव कन्याओं को मुक्त कराने का इसका स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। जो हर्ष देव पुत्रों हुआ, देवताओं का हुआ, वही हर्ष इसका भी होगा। और इसके हर्ष को देखने के पश्चात देवता या देवपुत्र पुनः इधर मुख करने का साहस नहीं करेंगे। आक्रमण, ये क्या माया है? हमारे सच लोग कैसे हो गए? करो जितने प्रहार कर सकते हो, हमारे शस्त्रों से टकरा कर तुम्हारे सच लोप हो जाएंगे। और यदि हमारे सच तुमसे स्पर्श कर गए तो तुम भी लोप हो जाओगे। हमारी एक सेना को परास्त कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। भोकाल, देवताओं के पास चार शक्तियों का अथाह भंडार है, जिनमें से एक शक्ति है भूभ्रक। भूभ्रक भोकाल की सेना में छितरा गया। हा हा हा, धूम की दुर्बलता है, वायु और मेरी तलवार में समाई वायु वायु ही वायु वेग शक्ति के सम्मुख अपना अस्तित्व संभाले कहाँ रह पाएगा ये तुक्ष प्राणी? हमने कहा ना, चार शक्तियों का भंडार है हमारे पास। तुम्हारे स्पर्श रूप सेना का प्रत्युत्तर है ये सेना। इसकी त्वचा में जो होकर रह जाएंगे तुम्हारे तो पहले इसकी त्वचा को ही सुखा देता हूं। अब देखना यह है कि कौन किसमें रूप होता है। ओ नहीं, द्वितीय सेना की भी वही गत हुई। ऐसे तो हम सेना पर सेना उत्पन्न करते रहेंगे और भोपाल की सेना उन्हें रोपित करती रहेगी। हमें स्वयं युद्ध में उतरना होगा, हमारे सम्मुख नहीं ठहर सकेगी ये सेना। इसके अस्त्रों की लोक शक्ति हम पर प्रभावकारी सिद्ध नहीं होगी। परंतु ये क्या हो रहा है? अच्छे भोपाल की सेना का एक भी सैनिक मरता है तो उसके स्थान पर हमारी सेना का वो सैनिक उत्पन्न हो जाता है जैसे युद्ध के समय उन्होंने लोप कर लिया था। और हमारी सेना के ये सैनिक अब भोपाल की ओर से हमसे युद्ध लड़ रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि हमारे प्रहारों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उल्टे ये हमें घायल किए दे रहे हैं। जल्दी से कटाक्ष का आह्वान करो। हाँ, किंतु कटाक्ष
तो शास्त्र है, प्रश्न मत करो, इस समय कोई प्रश्न मत करो, शीघ्र करो। ये युद्ध हमें से एक पक्ष की अंतिम श्वास तक जारी रहने वाला है। अब तक भ्रगुण कटाक्ष उत्पन्न न कर ले, जब तक भ्रगुण कटाक्ष उत्पन्न न कर ले इसका मुकाबला करते रहो, अन्यथा इसके अल्पसंख्यक हमें घायल कर सकते हैं। खनक खनक कटाक्ष, मैंने कटाक्ष को उत्पन्न कर लिया भ्राता, शिष्य चलाओ कटाक्ष को, शत्रु सेना पर चलाओ, ये सबका सहार कर डालेगा। फिर एक धमाके के साथ कटाक्ष शक्ति लोप हो गई, साय साय धड़ाम। ये क्या, प्रथम सेना के समाप्त होते ही उसके स्थान पर हमारी द्वितीय सेना उत्पन्न हो रही है, जिन्हें इस पर लोक सेना ने लोपित कर दिया था। भ्रगुण अतिशीघ्र मारकास्त्र का आवन करो, ये सहस्त्र में हमारी संयुक्त शक्तियां हैं, हम एक एक कर उन सहस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनका प्रयोग हम जीवन में एक बार ही कर सकते हैं। बातों में समय मत नष्ट मत करो, भ्रगुण जीवन चला गया तो पुनः कहां से प्राप्त करोगे। आवन मार्कास्त्र सिंघारता हुआ, द्वितीय सेना का अंत हुआ, अच्छा हुआ हमने और सेना उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा हम उन्हीं से युद्ध करते रह जाते। भोकाल अब तेरा काल तेरे सिर पर नृत्य कर रहा है, हा हा हा, तुम्हारा कथन भी खूब रहा, परंतु काल मेरे शीश पर नृत्य करे संभव नहीं। खना ओ, इतनी शक्ति इतना बल, काल तो मैं स्वयं हूं तुम सभी का। ओ क्वचिद्धम, भोकाल जिसका अर्थ है काल का आह्वान करने वाला, अपने काल को स्वयं ललकारा है तुम सभी ने, और काल को ललकारने का एक ही अर्थ है काल के गाल में समा जाना। धड़ाम सिंह धड़, शीघ्र ही भोकाल के हाथों काल के गाल में समा जाओगे तुम सभी। धड़, अपने दुष्ट देव और जनजाताओं का अंतिम बार स्मरण करो। आ काल के गाल में हम नहीं अपितु, ओ नहीं, मैं थपेड़ों उत्पन्न नहीं कर पा रहा, मैं भी वातावरण को सघन नहीं कर पा रहा हूं, हमारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं, मेरी भुजा विशाल का शार्थ में परिवर्तित नहीं हो पा रही, जिसके जन्म का उद्देश्य प्रलयकारी हो उन्हें स्वयं अपने प्रलय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब ना तो तुम्हें तुम्हारी कोई शक्ति बचा पाएगी और ना ही कवच। आ मेरे जन्म का उद्देश्य भी प्रलयकारी है, प्रलयकारी है, किंतु प्रलय हितों की रक्षा के लिए तुम्हारे पास इस युद्ध को जीतने का केवल यही एक अंतिम अवसर है, खचाक आ, क्योंकि उसके पश्चात तुम्हारे चारों के अंश इस युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं समझ गया, हा हा हा, विलंब से समझे, हमारी शारीरिक शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। ओह ये कैसे हुआ, ये देवपुत्रों की योजना थी, उनके एक के पश्चात एक होते आक्रमणों का रहस्य मेरी समझ में आ गया। यदि देव कन्या हमारे पास न होती तो हम उसी पर देवपुत्रों के हाथों मारे जाते। हमें अपनी अंतिम शक्ति काल रूप की आवश्यकता है, भागो, कारों की भांति युद्ध छोड़कर भाग रहे हो दोस्तों, हमारी संयुक्त शक्ति से उत्पन्न होगा काल रूप। खड़ा काल रूप अवश्य भूकाल का सामना हुआ उसका अंत कर पाने में सक्षम होगा, आज तुम्हें तुम्हारी कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। ओह आ, दैत्यों के काल रूप से नहीं बचेगा तू भूकाल,
वो त्रिलिस्मी चट्टान है जो किसी को भी टुकड़े करने में सक्षम है। वरुण की वरुण शक्ति के सम्मुख कोई भी चट्टान नहीं टिक सकती। खचा कालू के इस शास्त्र प्रकार का वार खाली नहीं जाता। अग्नि के प्रचंड अग्नि खड से भीषण नहीं तेरा साए खड़ा खड़ा काल रूप अवश्य ही तेरा काल सिद्ध होगा। भाग कहाँ रहा है वो काल, रुक जा, अब मैं तेरा पीछा ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक नहीं छोड़ूंगा। मुझे समाप्त करने के हेतु किसी अन्य अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। खड़ा हा हा हा, तुझे मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। साए मैं तेरी ये दौड़ यही समाप्त कर देता हूँ। ओ ना नहीं, उसने हमें दो फाड़ कर डाला। दो फाड़ नहीं, सात फाड़ करूंगा तुम्हारे, क्योंकि सात दुश्मनों का संयुक्त रूप हो तुम। छात्रों टुकड़े प्रति सुदूर आकर गिरे। हमारे पुत्र देखते ही देखते रक्त सनियों की जड़ों ने उन टुकड़ों को अपने आगोश में खींच लिया। इन्हें किसने मारा, अब क्या होगा पिताश्री की आकांक्षाओं का। ओप नहीं, हमारे पुत्र नहीं।